हाय एवरीवन आज मैं आप सबके साथ टू केक्स के डिजाइन शेयर कर रही हूँ बोथ द केक्स आर वेरी ब्यूटीफुल दोनों ही केक जो है वो सिंपल केक बट डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है दोनों केक्स का तो जो फर्स्ट केक मैं बना रही हूँ इसे मैं वन के में बना रही हूँ इसके लिए मैंने सेवन इंच केक मोल्ड का यूज किया है और अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग मैंने 600 ग्राम बैटर यूज किया था स्पॉन्ज को बनाने के लिए लगभग 550 ग्राम टू 560 ग्राम का ये स्पॉन्ज है और उसके बाद मैंने इसे थ्री लेयर्स में डिवाइड कर लिया है इसके बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड की है ये ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में बना रही हूँ ये केक तो ब्लैक फॉरेस्ट बनाने के लिए मैंने इसमें मिक्स पेरी क्रस ऐड किया है ब्लैक फॉरेस्ट बनाने के लिए चेरी क्रस का भी ऐड कर सकते हो या फिर चेरी फिलिंग भी ऐड कर सकते हो उसके बाद थोड़ा सा मैंने चॉकलेट गनाश इसमें ऐड किया है उसके बाद चॉको चिप्स ऐड किए हैं और उसके बाद सेकंड लेयर को अप्लाई कर दिया है इसी तरीके से मैंने तीनों लेयर को अच्छे से संभल कर लिया है जब भी आप लोग चॉकलेट केक या कोई भी केक बनाते हो तो उस टाइम पर केक को जब आप बना के रखते हो स्पॉन्ज को तो उसे दो से तीन घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखो जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाए और जब लेयर्स डिवाइड करोगे काफी अच्छे से लेयर डिवाइड्स होंगी और उसके बाद केक भी आपका अच्छा बनेगा जब स्पॉन्ज अच्छे से सेट हो जाता है उसके बाद केक खाने का मजा बहुत ज्यादा आता है और जब केक को बना लो तो उसके बाद भी तीन से चार घंटे के लिए जरूर रखो जिससे कि केक अच्छे से सेट हो जाए और जब आपके क्लाइंट्स तक ये केक पहुंचे तो केक खाने में बहुत टेस्टी लगे क्योंकि जब कुछ टाइम तक केक रखा रहता है और लगभग 12 घंटे तक केक बन बनने के बाद रखा रहेगा तो उसका फ्लेवर जो है सारे केक में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाते हैं तभी केक खाने का असली मजा आता है तो ट्राई करा करो कि क्रम कोटिंग जल्दी से मॉर्निंग में कर दो या फिर रात में करके रख दो जिससे कि केक में जो भी फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से इनहेंस हो जाए और केक खाने में काफ़ी अच्छा लगे उसके बाद इसकी फाइनल फर्स्टिंग के लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा ये शेड बनाया है तो ये शेड बनाने के लिए मैंने वीडियो शूट तो किया था बट पता नहीं वीडियो शूट नहीं हुआ या सम्हाव क्लिप डिलीट हो गया जब मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए देखा तो मेरे पास ये क्लिप्स बिल्कुल भी नहीं थे बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये शेड मैंने कैसे बनाया है ये शेड मैंने ब्लू और ब्लैक को मिक्स करके बनाया है टू ड्रॉप मैंने ब्लू एड किया है वन ड्रॉप ब्लैक एड किया है उसके बाद ये ग्रेज ब्लू का मैंने शेड बनाया है और इससे मैं इसकी फाइनल फर्स्टिंग कर रही हूँ आप लोग देख सकते हो फाइनल फर्स्टिंग के टाइम भी मैंने बहुत बहुत कम क्रीम अप्लाई की है लेस क्रीम के एक बना रही थी मैं ये और उसके बाद अंदर भी मैंने क्रीम काफी कम अप्लाई की थी तो जब भी आप लोग कम क्रीम का केक बना रहे हो तो लगभग 600 ग्राम का तो स्पॉन्ज आप लोगों को लेना ही है तो मेरा भी ये स्पॉन्ज लगभग फाइव सिक्सटी फाइव ग्राम से ज्यादा ही था उसके बाद मैंने इसकी आ, आ, डेकोरेशन करना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले मैंने जो नोजल लिया है वो मैंने नोजल नंबर थ्री थर्टी वन यानी कि क्लोज्ड ट्विस्टेड स्टार लिया है और इसके लिए जो मैंने शेड बनाया था ब्लू का जो मेरे पास पहले मैंने ब्लू ग्रेज ब्लू शेड बनाया उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लू वाला एड किया है डार्क करने के लिए उसके बाद ये मैंने ब्लू वाले रोजेट बनाए हैं उसके बाद मैंने नोजल टू डी लिया है आप चाहो तो वन एम बी ले सकते हो इसकी जगह पर और ये मैंने सेकेंड वाले दो दो के पेयर में रोजेट बनाए हैं और ये कलर शेड बनाने के लिए मैंने ब्राउन कलर एड किया है उसके बाद जो थर्ड वाला कलर शेड बनाया है सेम ब्लू वाला जो शेड बनाया था उसी शेड में मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर और मिक्स कर दिया है क्वांटिटी को बढ़ा दिया है ब्लू कलर की क्वांटिटी को जिससे कि ये डार्कर शेड बन गया है और इस तरीके से मैंने डिजाइन को कंप्लीट कर दिया है लास्ट वाला जो नोजल मैंने लिया था वो नोजल फोर भी मैंने यूज किया है उसके बाद मैंने मिडल में एक नेम का पॉन्डन टॉपर बनाया था जो भी बर्थडे बॉय का नेम था और उसके बाद ब्लू गोल्डन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है तो मैंने इसमें गोल्डन स्पिंकल्स ऐड किए और ये केक बनकर एकदम रेडी था बहुत प्यारा केक लग रहा था बहुत ही सुंदर लग रहा था बनने के बाद में तो सेकंड केक जो मैं बना रही हूँ ये मैं फ्रूट केक बना रही हूँ तो इसका स्पॉन्ज मैंने आ, लगभग 300 ग्राम का तो मैंने स्पॉन्ज ही ले लिया था 280 ग्राम का ये स्पॉन्ज था बनने के बाद में 300 हंड्रेड ग्राम मैंने बैटरी यूज किया था इस स्पॉन्ज को बनाने के लिए बट जब भी मैं फ्रूट केक बनाती हूँ तो वो लगभग हमेशा 800 ग्राम लगभग जाता है इसका वेट भी 750 ग्राम था देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसका वेट इतना ज्यादा है बट हाफ के जी के अकॉर्डिंग मैं केक बना रही थी बट फ्रूट की फिलिंग मैंने बहुत अच्छे से की थी मेरे पास बहुत सारे फ्रेश फ्रेश फ्रूट अवेलेबल थे सारे को मैंने बहुत हल्का हल्का मतलब छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है साथ में फिलिंग में मैंने सबसे पहले मिक्स्ड बेरी क्रश ऐड किया है पहली लेयर में उसके बाद फ्रूट्स ऐड किए हैं उसके बाद सेकंड लेयर में मैंने पाइनएपल क्रश ऐड किया उसके बाद मैंने इसमें फ्रूट ऐड किए हैं फ्रूट की फिलिंग मैंने काफी अच्छी से की है जिससे फ्रूट केक खाने में मजा आए अगर आप लोगों को वेट मैनेज करना है आपके के जी के अकॉर्डिंग तो स्पॉन्ज आप कम ले सकते हो फ्रूट की फिलिंग भी थोड़ी कम कर सकते हो जिससे आप परफेक्ट केक बना पाओगे बट छह ग्राम से कम का तो केक तब भी नहीं बनेगा फ्रूट केक फिलिंग फिलिंग वाले के केक हमेशा ज्यादा ही होते हैं और हमेशा ज्यादा देना भी चाहिए जिससे कि कस्टमर को भी खाने मचाए उसे भी ये बिल्कुल फेल ना फील ना हो कि केक अच्छा नहीं था या क्वांटिटी कम थी जिससे कि आप परमानेंट क्लाइंट बना पाओ तो इसकी मैंने अच्छे से पहले क्रम कोटिंग कर दी और उसके बाद मैंने इसकी फाइनल फर्स्टिंग के लिए बहुत ही प्यारे से दो शेड्स बनाए हैं तो सबसे पहले बाउल में मैंने दो तो ड्रॉप ब्लू ऐड किया है उसके बाद एक ड्रॉप ब्लैक ऐड किया है पहले दो ड्रॉप गलती से ब्लैक के एड हो गए थे तो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था और उसके बाद, उसके बाद उसे मिक्स कर लिया है ये ग्रीन का शेड बन गया है सेकेंड वाले आ, कलर बनाने के लिए मैंने इसमें दो ड्रॉप करी रेड ऐड किया है रेड ऐड किया उसके बाद वन ड्रॉप पर्पल ऐड किया है और ये मॉफ कलर मैंने बनाया है आप लोग इस कलर के बारे में मुझसे बहुत बार पूछ चुके हो तो बहुत ही ईजी होता है ये कलर बनाना बहुत बार जब भी मैं इस कलर का वीडियो डालती हूँ कोई केक बनाती हूँ आप लोग कलर कॉम्बिनेशन पूछते हो दिस इज कॉल्ड मॉफ कलर और इसे बनाने के लिए रेड और पर्पल को एड करते हैं तो ये के, ये वाला कलर मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत बार आप लोगों को बनाकर दिखा चुकी हूँ तो जो ग्रीन वाला कलर था उससे मैंने केक की फाइनल फर्स्टिंग की है और बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन लगेगा अभी आप लोग देखना पूरा कलर करने के बाद में नोजल मैंने कुछ नया यूज नहीं किया है सिंपल पुराना डिजाइन ही बनाया है बट कलर कॉम्बिनेशन मैंने बहुत अच्छे इसमें यूज किए बहुत बहुत पे प्यार, केक लग रहा था ये वाला भी तो मैंने इसकी फाइनल फर्स्टिंग कर ली फाइनल फर्स्टिंग करते टाइम मैंने कोशिश की कि क्रीम कम से कम अप्लाई हो जिससे कि केक और ज्यादा ओवर ना हो जाए उसके बाद केक की डिजाइनिंग के लिए मैंने नोजल टू लिया है आप यहाँ पर वन भी ले सकते हो और सिंपल यहाँ पर मैं शेल वाला बॉर्डर बना रही हूँ दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ शेल बॉर्डर बना रही हूं इस शेल बॉर्डर को बनाने के लिए आप नोजल नंबर वन एम ले, ले सकते हो नोजल नंबर टू ले सकते हो ट्विस्टेड क्लोज स्टार यानी कि नोजल नंबर थ्री ले सकते हो उसके बाद इस वे बनाने के लिए आप नोजल नंबर टू का भी यूज कर सकते हो तो ये शॉल सेल बॉर्डर बनाने के लिए आप बहुत सारे बड़े वाले जो नोजल है कोई भी नोजल यूज कर सकते हो जिससे कि आप अलग अलग तरीके का शेल बॉर्डर बना सकते हो तो ऊपर और नीचे मैंने दोनों जगह नोजल नोजल से ये बॉर्डर बना दिया है उसके बाद गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स मैंने लिए हैं इसके डेकोरेशन के लिए और ऊपर नीचे बॉर्डर को मैंने स्प्रिंकल से डेकोरेट किया है छोटे बड़े दोनों साइज के नोजल्स मैंने इस सॉरी छोटे बड़े दोनों साइज के जितने भी जो दो तीन तरीके के मेरे पास स्प्रिंकल्स थे वो सारे मैंने एड किए हैं बीच में मैंने फॉर्नेट का हैप्पी बर्थडे टैग लगाया है ये हैप्पी बर्थडे टैग का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कि कैसे मैं राइटिंग करती हूँ कैसे इसे बनाकर रखती हूँ तो ये थे मेरे आज दोनों के दोनों केक मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा आप लोग मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं आप लोग के कॉमेंट पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाबाई टेक केयर